जी स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि वेक्टर्स के बारे में, और हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। आज हम और आगे के कुछ और टाइप्स के वेक्टर पढ़ते हैं, समांतर वेक्टर यानी कि समांतर सदिश। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इनकी क्या खास बात होगी? दो वेक्टर समांतर कब कहलाएंगे? जब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है और बी की डायरेक्शन एक होगी, और ए की डायरेक्शन आप जानते हैं एक है और बी की डायरेक्शन बी कैप। अगर ये दो एक जैसे हैं तो भले ही ए बी के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये है तो ये समांतर सदिश है। यहाँ दिशा एक ही होगी, इसी प्रकार से विपरीत सदिश कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन वेक्टर ए की जो दिशा है और वेक्टर बी की दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस लग जाएगा। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बी की दिशा ए की उल्टी है। माइनस का माने यहाँ पर डायरेक्शन से होता है, वेक्टर में माइनस का माने उसकी डायरेक्शन प्लस वाली की उल्टी है। तो इस प्रकार से ए बी का उल्टा है, बी ए का उल्टा है, इस प्रकार से हम कहेंगे, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। ये विपरीत